इंडिया से 20 रुपए लिखा हुआ है यहाँ पे, कितने का दे रहे हैं? देंगे नहीं 20 रुपए का ही, 20 रुपए का नहीं देंगे। हेलो गाइस, आज हमारे साथ निहाल जुड़ गए हैं जो कि MBBS के स्टूडेंट्स हैं इटली में, और फिर जल्दी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो हम लोग आज जा रहे हैं सुपर मार्केट जो कि कृष्णा सुपर मार्केट है। तो आज मेरा पहली बार है, तो निमल इनका निहाल ये रेगुलर कस्टमर है, तो आज हमें बताएंगे कृष्णा मार्केट के बारे में। तो निहाल अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कृष्णा मार्केट के बारे में बताइए। मेरा नाम निहाल विक्रम सिंह है, जैसे भाई ने बताया, और यहाँ पे कृष्णा इंडियन मार्केट है जो मिलान का सबसे बड़ा इंडियन मार्केट है। यहाँ पे आपको सब ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड सामान मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कोई इंडियन शॉप आपको मिलेगा यहाँ पे। तो सारे इंडियंस आप देखेंगे इधर ही आएंगे, आपको घर का सारा राशन का सारा सामान, पूजा से लेके आपको फ्रोजन सामान चाहिए वो ले सकते हैं, आपको घर के बिस्किट्स की याद आ रही है, टाइगर पार्ले जी, मैगी, ये सब यहाँ मिलता है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ भी सब कुछ मिल जाता है, अच्छी बात है। और फिर नाम को लेके कृष्णा, तो बहुत ही अच्छा नाम है सच में, बहुत ही धार्मिक नाम चूज किया है, नाम है ताकि कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट हो जाए। मुझे भी देख कैसे कृष्णा हो, चलो एटलीस्ट देखने के लिए चलते हैं। बहुत बहुत। तो और रहा अपना कृष्णा मार्केट, तो कृष्णा इंडियन बाजार करके है, एविया पेनफिलो कैस्टाल्डी में करके है। तो जितने लोग भी मिलान में है यहाँ पर आ सकते हैं, तो देखिए कृष्णा इंडियन बाजार है, तो आज हम लोग देखेंगे। तो आज निहाल हमारा टूर कराएंगे कृष्णा मार्केट की। ऐसे बाहर से देख सकते हैं हम लोग RR मूवी का ये लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे जय कृष्णा जय श्री कृष्णा यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे लग रहा है कि हम लोग किसी इंडिया में आ गए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। हाँ निहाल बोलिए। तो यहाँ पे सबसे सही आपको वैल्यू फॉर टाइम आपको मिलेगा, पराठे हो गए आपके, देखिए जैसे आलू गोभी पराठा है, अनियन पराठा है, गोभी पराठा है, ये सब 2-2, 3-3 यूरो में आपको 4-4, 5-5 पीस मिल जाएगा, और रेडी टू यूज़ है। आप इसको बस इसको गर्म करिए और इसको खाइए, तो ये काफ़ी अच्छा है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको आलू छोले मिल जाएंगे, ये सब रेडी टू ईट सामान है। पकौड़ी मिल जाएगी, स्पिनच पकौड़ा अगर आपको मन कर रहा है, राजमा चावल, छोले चावल, मटर कचौड़ी, तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। पाव देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पाव भाजी है, यहाँ पे हाँ ये सारे इंडियन स्पाइसेस है, MDH के मसाले पूरे, MDH के किचन किंग, और यहाँ पे हमारे इंडिया से। अच्छा यहाँ पे पूरे लोग जो लोग देख रहे हैं पूरे इंडियंस ही देख रहे हैं, मेजोरिटी इंडियंस दिखेंगे आपको। अच्छा इंडियन शॉप है, और फिर यहाँ पे पूरे A to Z मसाले हैं। तो जो लोग इंडिया से स्टूडेंट आते हैं, तो ऐसा नहीं एक एक किलो मसाले लेकर चले आओ, फिर वो ख़राब हो जाते हैं एक साल बाद, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहीं पे आके लेना सही बेटर रहता है, वहाँ पे मसाले में क्योंकि थोड़ा सा एक दो महीने के लिए ले सकते हैं इनिशियल के लिए, बाकी यहाँ पे आराम से सब मिल जाएगा। अब क्योंकि ज़्यादा लाएंगे तो फिर एयरपोर्ट पे भी दिक्कत करते हैं। अच्छा एक चावल 1 kg का कितने का है? 1 kg का आपको 250 का मिलेगा यहाँ पे, 250 यूरो, 2.5 यूरो, 2.5 यूरो उसका ये मिलेगा। और ये बाकी के 5 किलो के नीचे भी कुछ दिख रहे हैं, 5 किलो के है आपका, 5 किलो का चावल कितने का है? 12.5 यूरो है, 11 यूरो में भी आपको कुछ मिल जाएगा। ये काफी अच्छा क्वालिटी माने जाते हैं, आकाश बासमती है, तो काफी लोग प्रेफर करते हैं, अच्छा क्वालिटी होता है, अच्छा चावल बनता है। अरे लेस ये लेस अपना लेस हो गए, कुरकुरे हो गए। अच्छा एक लेस कितने का है यहाँ पे? अच्छा इंडिया का यहाँ पे 20 रुपए लिखा हुआ है, यहाँ पे कितने का दे रहे हैं? देंगे नहीं 20 रुपए का ही, 20 रुपए का नहीं देंगे। कितने का है? पता नहीं कितने का है, इसको लिखा नहीं। हाँ यहाँ पे 90 सेंट्स लिखे हैं। 90 सेंट्स, तो 90 सेंट्स का एक। एक्चुअली अभी इस टाइम पे वॉर की वजह से यहाँ पे UK से सामान आता है। अच्छा अच्छा, UK से इम्पोर्टेड होता है, UK से इम्पोर्टेड होता है, तो UK से ज़्यादा सामान आ नहीं पा रहा है। तो अभी आपको जो सामान दिख रहा है वो अभी कम है एक्चुअली। और यहाँ पे आशीर्वाद आटा, अरे आटा सब मिल जाएगा आपको। आटे कितने का आता होगा? 5 किलो, ये 5 किलो 9-10 यूरो के आते होंगे सर, अराउंड इतने का आता है। क्रैक जैक है, ये कितने का यहाँ पे है? एक बिस्किट 60 सेंट्स का है, अच्छा बात है, कोई मिल जा रहा है, वो बहुत बड़ी। ये अपना कच्चा आम, कच्चा मैंगो, अरे वाह, ये तो बचपन में बहुत खाते थे हम लोग, यहाँ पे भी मिल। कितने का? 2.3 यूरो, 2.3 यूरो, बहुत अच्छा प्राइस है, कुछ महंगा नहीं है। और यहाँ पे देखिए साउथ इंडियंस के लिए भी कुछ सामान रखें, डोसा, इडली, चने का आटा है ना? हाँ चने का आटा है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, ये देखिए
ये स्नैक्स में आपको खमन ढोकला मिल गया। खमन ढोकला बहुत अच्छा, गुजरात का है, गुजराती खमन ढोकला, मतलब सब नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट सब 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 मिलता है। पानी पूरी के पूरी मिल जाएंगे यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। साबूदाना है, सोयाबीन है, मूंगफली, घी मिल जा रहे हैं, घी वगैरह सब मिल जा रहा है, अचार अचार सब। और ये स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जैसे अगर उनको बनाना नहीं आता या टाइम नहीं है तो ये रेडी टू ईट है। हल्दीराम के मटर पनीर उठाइए, आप पालक पनीर उठाइए, दाल मखनी उठाइए, तुरंत गर्म करिए, तुरंत बन जाएगा, तुरंत इसके साथ राइस सब घर पे बनाइए और तुरंत हो गया आपका। तो जिसको खाना वाना नहीं बनाने आता कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। यहाँ पे चूड़ा लगा है, हाँ ये चूड़ा है आपका, चूड़ा, कई लोग चूड़ा दूध खाना पसंद करते हैं। गुड़ भी है, फेली भी मिल जाएगा, कोई देसी गुड़ यहाँ पे। नवरातन तेल तो अपना फेवरेट है भाई, गांव में रहता है इसका, कुछ ठंडा रहते थे ना, ठंडे के लिए बहुत यूज करते थे। हाँ बिल्कुल, वाटिका है, नवरातन है, और कोलगेट का पेस्ट। अच्छा पतंजलि के सामान नहीं दिख रहे, क्या बात है। पतंजलि के सामान सबसे पहले बिकते हैं ना, तो वो खत्म हो गया, स्टॉक अपडेट। अच्छा यहाँ पे भी डिमांड चल रहा है पतंजलि का, पतंजलि का ऑल ओवर द इंडिया डिमांड रहता है, तो फॉरेन में दो वीक में आ जाएगा, जैसे अंकल ने कहा दो वीक में आ जाएगा। ये मेहंदी, अरे वाह, मैं देखिए मेहंदी भी यहाँ पे है, 2.9 यूरो का है। और यहाँ पे कुछ साबुन है, डेटॉल साबुन, लक्स साबुन, हल्दीराम्स के नमकीन वगैरह हो गया। अरे वाह, ऐसे नहीं लग रहा है कि मतलब हम लोग आउटसाइड ऑफ इंडिया आए हैं, जैसे लग रहा है अपने घर में, गांव में। पेठा, अरे वाह, देखिए पेठा भी यहाँ पे मिल जा रहा है, बहुत अच्छा हो गया। रसगुल्ला हो गया, रसगुल्ला हो गया, सोन पापड़ी, मलाई टिक्की, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, पानी पूरी यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बतासा, बतासा भी यहाँ पे मिल जा रहा है 2.8 यूरो का। रेवड़ी, अरे वाह, मैं तो कम से कम 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में पहली बार रेवड़ी और बतासा देख रहा हूँ। यहाँ सब मिलेगा, यहाँ हजमोला भी मिलेगा आपको, हजमोला बहुत बहुत खुशी हो गया। यहाँ रस्क देखिए, पार्ले जी का रस्क वगैरह है, सेवई है। और यहाँ तो कुछ कौन सा ड्रिंक है, ये किंग फिशर का बियर है, बियर वगैरह तो यहाँ नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे आपको अच्छा, फ्रिज में बियर मिल जाएगा। अच्छा बियर वगैरह है, तो फिर उसके बारे में नहीं बात करेंगे। और यहाँ पे कुछ रेफ्रिजरेटर में देखिए, भारतीय मिठाई स्वीट्स 2.4 यूरो है, मतलब एक एक का। तो मेरे ख्याल से रेट तो अच्छा है, यहाँ पे मिल जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जलेबी देख सकते हैं 2.4, बहुत जलेबी है, रसगुल्ले पड़े हुए हैं, गुलाब जामुन हैं, ऐसे 2.5। लौकी है, कितने का लौकी, 6.9 यूरो पर केजी, एक केजी का देखिए मिल जा रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे फिर क्या है, हल्दी है, हल्दी भी कितने का, 9.9 रुपीस पर केजी मिल जा रहा है। यहाँ पे हम लोग पतंजलि का एक घी बचा है देख सकते हैं, एक किलो घी 13.5 यूरो का है, और आधा किलो है जो 7 यूरो का कुछ है। तो यहाँ पे पतंजलि का भी प्रोडक्ट भी मतलब फॉरेन में बहुत ही डिमांड है, तो सब पतंजलि का सामान जितना ख़त्म हो गया है, बस घी ही बचा है। तो वार का भी इफेक्ट मतलब दिख रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं सूजी है, तो 1.5 किलो सूजी कितना का, 2.9 यूरो। तो कुछ स्वीट वगैरह बना सूजी भी है। साउथ इंडियन के लिए देख लीजिए, मसाला डोसा है, 3.2 यूरो का मसाला डोसा मिल जा रहा है। और फिर क्या है, ये वड़ा है देख लीजिए, ये हमारे साउथ में बहुत फेमस रहता है, वड़ा सांभर हम लोग खाते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। तो देखिए जैसे कि हम लोग पूरा देख लिए अपना कृष्णा इंडियन मार्केट, तो बहुत ही अच्छा है, सब कुछ अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। और फिर हमारे अंकल जी हैं जो कि यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करते हैं, तो इसी वजह से अंकल जी आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा। मेरा नाम राजेश कपूर है और मैं दिल्ली इंडिया से हूँ। और इस शॉप को मेरे को 20 इयर्स हो गए हैं, 20 साल हो गए, और इससे पहले 3 साल दूसरी जगह पे थी। अच्छा अच्छा, तो एक्चुअली मिलान में मोस्ट ऑफ द, मैंने मिलान में इंडियन तो मैं अकेला ही हूँ, बाकी और हैं लेकिन दूसरे इंडियन ओरिजिनली मैं अकेला ही। हाँ, क्योंकि बहुत चर्चे होते हैं, जब मैं भी यहाँ पे नहीं आया था अच्छा। तो ऐसे नहीं बोलते कहाँ पे इंडियन सामान मिलेगा, तो ऐसे बोलते हैं कृष्णा, अगर कृष्णा मार्केट है करके मिलान में, तो वहाँ पे मिल जाएगा, ऐसे बहुत चर्चे होते हैं।
तो बहुत अच्छा लगा। तो और बाकी का मतलब इंडियन इंडियन को छोड़ के फॉरेनर्स भी आते हैं क्या? इटालियन बहुत कस्टमर है, इटालियन इटालियन अच्छा पसंद करते हो लोग? बहुत पसंद करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। स्पाइसी ले जाते हैं, रेडी टू ईट ले जाते हैं सामान, हल्दीराम का है, अच्छा अच्छा, अशोक का है, फिर उसके बाद फ्रोजन आइटम समोसा वगैरह बहुत ले जाते हैं, फिर ये जो हल्दीराम के पराठे हैं, अच्छा अच्छा, जो है सारे ये भी बहुत लेके जाते हैं लोग। चलिए और इंडियन स्वीट फ्रेश स्वीट भी लेके जाते हैं, गुलाब जामुन रसगुल्ला वगैरह। अच्छा, और मैंने सुना मतलब जैसे अपने यहाँ फेस्टिवल होता है दिवाली हो गया और फिर उस टाइम भी आप सामान रखते हो? हाँ उस टाइम पे दिवाली सारा सामान होता है, दिए वगैरह मिठाइयाँ आती हैं बहुत, हर चीज़ होती है। बहुत अच्छे, यहाँ पे देखिए छननी उन्हें भी रखे हैं और पूजा का सामान भी है, अगरबत्ती। अरे वाह, और यहाँ पे पूजा का सामान ए टू जेड, अगरबत्ती धूप और डिफरेंट वेराइटीज के सब कुछ। अरे वाह, मिट्टी के दिए वगैरह सब हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग दिए हैं, मिट्टी के दिए हैं। अरे वाह, मैं इतना घूमा हूँ लेकिन पहली इतना कलेक्शन मुझे आज मालूम पड़ रहा है। तो चलिए अंकल जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत।